नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय हम टाउन हॉल में मौजूद हैं और आप सभी को बता दें कि आज़ादी के 75 इयर्स बीतने के बाद भी वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की जाती है, वुमेन के लीगल राइट्स की बात की जाती है। आखिर ऐसा क्यों माहौल अभी भी बना हुआ है कि आज़ाद हुए हमें 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन वुमेन्स जो हैं अभी भी बेड़ियों में जकड़ी हुई है। हम टाउन हॉल डोडा में मौजूद हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से जो है उनके साथ कोलैबोरेशन में जो है महिला शक्ति केंद्र और साथ ही वन स्टॉप सेंटर ने मिलकर जो है यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की जो है प्रोग्राम आज यहाँ पर कराया। मैक्सिमम बच्चियाँ जो है वो बहुत तादाद में थे और हमारे साथ जो है तहसील लीगल सर्विस कमेटी के वकील साहब जो हैं उमर राठौर जी, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि आज़ादी के 75 ईयर्स बीत जाने के बाद भी अभी भी वुमेन्स जो हैं वो आज़ाद नहीं है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियाँ जो हैं वो रह गई जिसके कारण अभी भी वुमेन्स जो हैं वो बेड़ियों में जकड़ी हुई है? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हमारी फार फ्लंग एरियाज़ में आप देखेंगे वुमेन को जो है अभी भी वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है। आप देखेंगे अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोग जो हैं अपनी बहू को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हम यहाँ पर आए हुए लोगों को और मीडिया के ज़रिए हम लोगों को बताएँ कि आपके साथ अगर कहीं भी कभी जुल्म होता है आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। आज हमारा यहाँ आने का मकसद लोगों को ये बताना है कि वुमेन राइट्स आपके क्या हैं, उसके बाद अगर आपसे आपके साथ कोई जुल्म करता है तो आपके कोर्ट के दरवाजे आपके खुले हैं। और उसके अलावा हमने उनको ये हम इनका जो मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं सबको कि तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो गरीब लोगों के लिए फ्री केस लड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग कोर्ट नहीं आते हैं, वो ये सोच के कोर्ट नहीं आते हैं कि यहाँ पे है हमें वकील साहब की जो फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन गरीब लोगों के पास वो फ़ीस का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनको जो उनके राइट्स हैं वो भी रह जाते हैं और जो उनका जो कोई काम होता है वो भी रह जाता है। हमारा आज आने का मकसद यही है कि आपको ये बताना है कि आप कहीं भी फार फ्लंग एरिया में जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, लोगों को आप इसी बारे में अवेयर करें कि तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो लोगों को फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है। तहसील लीगल सर्विस जो है आपको इस चीज़ में आपके साथ खड़ी रहती है, जब भी आपको कोई मसला होता है, चाहे आपका डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है, चाहे आपका कोई मेंटेनेंस का मसला है, या उसके अलावा भी कहीं आप किसी दफ्तर में आप कहीं जाते हैं, आप कहीं डीसी ऑफिस में कहीं जाते हैं, आप कहीं तहसीलदार के ऑफिस जाते हैं, आपको कोई काम नहीं होता है, क्योंकि अक्सर हमें सुनने को आ रहा है कि करप्शन की वजह जो करप्शन इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से जब तक लोग पैसा ना लें तो वो काम नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ तहसील लीगल सर्विस खड़ी है। तो हमें अप्रोच करें, हमें बताएं उनका क्या मसला है, कहाँ उनका मसला है, हम उनका मसला हल करके देंगे। उसके अलावा मैं आपके माध्यम से ये लोगों को अपील करना चाहूँगा कि जब भी वो तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच करें वो एक एप्लीकेशन लेके आएँ, उस एप्लीकेशन में अपना सारा मसला बताएं हमें कि उस उनका क्या काम है, किस दफ्तर में काम है, का ज़मीन का मसला है, कोई लड़ाई झगड़े का मसला है, हम उनका वो मसला देखें, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। सर, वुमेन्स डे जिस दिन मनाया गया था उस दिन भी यही बात, जब मैंने बच्चियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो बहुत लेट चलता है, बहुत स्लो प्रोसीजर है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो ये वॉयलेंस जो है वो अभी भी बना हुआ है और वॉयलेंस करने वाले जो हैं अपने आप को हीरो या ब्लॉकबास्टर मानते हैं क्योंकि कोर्ट की जो सर्विसेज है वो बहुत लेट चलती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसमें जो प्रोसेस आप की बात कर रहे हैं उसमें प्रोसीजर पूरा है। आप कभी केस फाइल करते हैं फिर समन वगैरह जाते हैं, उसका प्रॉपर प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि आपका कभी कभी क्या होता है कि आप कोई केस लेके आते हैं आपको लगता है कि टाइम लग गया तो आप केस छोड़ देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, इन कामों में हमेशा टाइम लगता है, कभी कम टाइम लगता है, कभी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बात इंसाफ की आप करेंगे तो इंसाफ यहाँ पर मिलता ही मिलता है। कभी आप देखें कभी कोई क्रुएल्टी का मसला होता है तो हम 498 में उसमें FIR के लिए जाते हैं, कभी कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता हम कोर्ट में केस करके उनको समन निकाल के उनको कोर्ट में बुला के जो है उनको जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस टाइम पे जो है आप देखिए केसेस कितने ज़्यादा हैं और कोविड की वजह से जो है कोर्ट पे इतना ज़्यादा बर्डन है कि जो केसेस जो हैं वो डबल से डबल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के इधर खड़े हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, जो भी उनका मसला होगा हम उनके साथ खड़े हैं यहाँ पर। वही मेरी एक बच्ची से बात हुई थी वुमेन डे के दिन, उन्होंने कहा था मुझसे कि कभी आपको ऐसा मौका मिले, कोई जज साहब या वकील साहब मिले, उनसे ये सवाल ज़रूर करना कि आखिर जो है जो भी चाहे हम रेपिस्ट की बात करें या कल्फ्रिट्स की बात करें उनको जो है कोई ऐसा लॉ क्यों नहीं बनाते वो कि विद इन हार्डली 6 मंथ का, उन्होंने कहा था कि उन्हें 6 मंथ का टाइम और सिर्फ 6 मंथ के अंदर ही जो है उन्हें फैसला सुना के उन्हें फांसी या उनकी जो सज़ा बनती है उसे कर देना चाहिए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हैं बन चुके हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब यह है कि आपका कभी भी जो आपने कहा 4 साल 5 साल लग जाते हैं वो जल्द से जल्द उन्हें ख़त्म करना है फास्ट ट्रैक में। आपने जैसा कहा कि 6 महीने में उनका डिस्पोज ऑफ उनका हो जाना चाहिए,
लेकिन अभी जो फास्ट ट्रैक चल रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है कि कोविड वजह से पहले ही 2 साल जो है बंद रहा कोर्ट, लेकिन अब कोर्ट खुल चुके हैं और आप देखेंगे कि हमें इसमें 15 डेज़ का जो होता है वो ट्रायल चलता है, 15 डेज़ के बाद उसमें नेक्स्ट डेट पड़ती है, उसमें जल्द से जल्द में जो गवाह वगैरह होते हैं वो भी हो जाते हैं और उसमें जल्द से जल्द उसमें फैसला हो गया है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में बात करूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट अब डोडा में आ चुका है और उसमें जो खासकर जो हीनियस क्राइम है उनमें इसमें जल्द से जल्द में फैसला हो जाएगा। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी भी कहीं ना कहीं जो है कोर्ट या वकील जो जितने भी लॉयर्स होते हैं उनको लेकर नाराज़ रहते हैं, उन्हें लगता है कि वो लोग जो है हमारा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ पैसे ही चक्कर में रहते हैं, जैसे आपने भी कहा था, क्योंकि एक गरीब यही सोचता है कि मेरे पास तो है नहीं, मैं वहाँ से लगाऊंगा कैसे, तो उन बारे में क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, उनका हमारा एक ही मैसेज है, हम मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि अगर आपको कभी लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा केस जो है वो चल नहीं सकता है पैसे की वजह से, या कुछ और आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच करें, हम वहाँ बैठे हैं, जो भी आपका मसला होगा चाहे वो सिविल होगा, चाहे ज़मीन का होगा, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा होगा, हम आपको वो मसला हल करके देंगे। अगर आपका कोई पुराना केस भी चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कोई वकील साहब जो है उसकी आप फीस जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं अपना वकील ये चेंज करना, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप कभी भी आ सकते हैं। अभी तक हमने पुराने बहुत सारे पुराने केसेस हैं जो कोई बदरा में चल रहा है, कोई डोडा में चल रहे हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उसमें जो है तहसील लीगल सर्विस उसमें अपना जो है पूरा पार्टिसिपेट कर रही है और लोगों का जो है पूरी उसमें हेल्प कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बता दूं कि तहसील लीगल सर्विस कमेटी की के चलते जो है इनका सीधा साफ तौर पर कहना है कि हम जो लोगों का केस लड़ते हैं हम उनसे जो है बिल्कुल पैसे नहीं लेते। हालांकि जिसको जो भी मजबूरी है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, वो हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिख के लानी है, उसमें पूरा मसला मसाइल आपने बताना है और वो एप्लीकेशन जो है आपको तहसील लीगल कमेटी तक जो है पहुँचा देनी है, जिसके बाद जो है वो अपनी कार्रवाई कर पाएँ और आपको शून्य की कीमत जो है वो खर्चनी पड़ेगी और आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो आप सभी को बता दूँ कि आप और भी बहुत सारी बच्चियों ने हमारे साथ बातचीत की, आप उन सबको भी देख सकते हैं। मेरा मिफ्रा बतूल है। आज का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर फॉर वुमेन महिला शक्ति केंद्र डोडा की तरफ से हुआ था। यहाँ पे वुमेन्स को जो है अपनी लीगल राइट्स के बारे में बताया था। यहाँ पे जज आए हुए थे, सेक्रेटरी थे और एडवोकेट सर, सबों ने डिटेल्ड वे में हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिए हैं उनके बारे में हमें बताया। देखिए, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे वुमेन जो है काफ़ी पहले से अंडर प्रिविलेज रही है, उसके पास राइट्स नहीं थे, हमारी ही इसमें सती सिस्टम था या लड़कियों को जिंदा दफन करने का वो सिस्टम था। उस चीज़ को क्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत पहले से हमें राइट्स दिए हैं और उन्हीं राइट्स के लिए अवेयर करने के लिए आज ये प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे हमें डिफरेंट राइट्स जो हमें पहले पता भी नहीं थे उन राइट्स के बारे में अवेयर किया गया। इससे बहुत, यहाँ पे काफ़ी सारी औरतें थी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, क्रॉस क्वेश्चंस हुए, तो काफ़ी सारी नई चीज़ें हमें पता चली है और ऐसे प्रोग्राम जगह जगह पर ऑर्गेनाइज करवाए जाने चाहिए, यही रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू। शमीमा बानू। आज जो था वुमेन की एम्पावरमेंट के रिलेटेड जो प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ, इसमें कोर्ट से चीफ गेस्ट आए और हमें अपने राइट्स के बारे में बताया गया और अवेयर किया गया कि हम वुमेन्स के साथ कैसे वुमेन्स को इक्वल राइट्स कैसे दे सकते हैं, उनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनको इंसाफ कैसे दिलाएं। अगर आज भी देखा जाए तो औरतें, बहुत सारी औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, लेकिन अगर हम अवेयर होंगे तो हम सोसाइटी में दूसरों को अवेयरनेस दे सकते हैं। जितना मुझे प्रॉफिट मिला कि ये यहीं तक महदूद नहीं रहना चाहिए, ये हर घर में मैसेज पहुंचना चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े तकरीर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक ना हम ये मैसेज घर घर तक पहुंचाएं और वहाँ पे बताएं कि वुमेंस की राइट्स के बारे में बताएँ। मीनाक्षी गोड़िया। आज का जो प्रोग्राम था वो महिला शक्ति केंद्र और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी जो है उन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया था वन डे वर्कशॉप के तौर पर। आज जो है यहाँ पर प्रेम सागर सर जी भी आए थे, उमर राठौर सर जी भी आए थे, जो आए थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज के दिन के हवाले के लिए बोली, आज के दिन के बारे में बोली, मतलब वुमेंस के क्या क्या राइट है, वुमेंस के क्या क्या अधिकार है, वुमेंस जो है अपने राइट को समझ पा रही है कि नहीं पा रही है, वुमेंस जो है हमारे समाज में अपने समाज में जो है खुल के जी पा रही है कि नहीं पा रही है, अपने अधिकारों का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ऐसे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम दिन ब दिन डोडा डिस्ट्रिक्ट में इसलिए नहीं होते कि जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं कि जो लड़की है, आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर जगह लागू हो गया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हर जगह लागू हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ महिलाएँ जो है अनकम्फर्टेबल हैं। यहाँ पर भी डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी एक लड़की पूरी तरह से कम्फर्टेबल सड़क पर चलने में नहीं है, क्योंकि लोगों की जो मैंटेलिटी है वो लड़कियों को लेकर अभी भी क्लियर नहीं है। तो ऐसे
अवेयरनेस प्रोग्राम तभी होते हैं ताकि उनकी जो मेंटेलिटी है, उनकी जो सोच है वो बदल सके, क्योंकि अगर इनकी सोच बदलेगी तो हम इनकी सोच बदलेंगे, और जब हमारी हम अपने अधिकारों को समझेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तब इनकी भी सोच बदलेंगे और समाज की भी सोच बदलेंगे। हाँ, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो सपना देखा करते थे कि जो हमारा भारत देश है वहाँ पर किसी का भी दबाव नहीं रहे और पूर्ण तरह स्वतंत्रता से जो है लोग जिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिशियंस ने जो है धर्म का बचार कर लिया, धर्म के नाम पर वोट्स लेते हैं, तो ये जो है बहुत गलत है। मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि हमारे समाज को बदलने की ज़रूरत है, उनको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, वुमेंस ही नहीं और भी कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर इक्वेलिटी अनइक्वेलिटी जो है आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं समाज के किसी ना किसी कोने में हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वुमेंस के लिए, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसी डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड या किसी भी मतलब लेबर वगैरह, किसी बच्चे से लेबर वगैरह का जो वर्क है वो कराया जा रहा है, लेबर चाइल्ड का उसको जो है काम कराया जा रहा है, तो वो जो है महिला शक्ति केंद्र वालों से जो है संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम से इसलिए करते हैं ताकि इनकी जो पावर है, इनका जो काम है वो हर किसी तक पहुंच सके, और जहां पर भी कोई जुल्म हो रहा है, कोई कुछ हो सके, वो इनको बता सके और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सके। थैंक यू सो मच। मेरा नाम कोमल गोरिया है और मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी में पढ़ती हूँ। तो आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए अवेलेबल होती हैं, हमारी हर तरह से हेल्प करने के लिए होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते। तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई सही बातें सीखने को मिली कि अगर किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो किस तरह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकता है, अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो किस तरह से अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आप सभी ने देखा, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को जो है देखने के बाद जितने भी लोग देखेंगे वो कहीं ना कहीं जो है वुमन एम्पावरमेंट को समझेंगे। वुमन इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो मेरे एक उस्ताद हुआ करते थे, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि आजकल जो वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या वुमन्स भी अपनी एम्पावरमेंट उसी चीज़ में चाहती है, हम वेल्थ की बात करें, हमें इक्वालिटी की बात चाहिए, उन्हें जो है DC के बराबर जो है उनका भी होदा होना चाहिए, सिर्फ इसमें जो है वुमन इक्वालिटी की बात की जाती है। अगर हम खदानों की बात करें, कोयलों की खदानों की बात करें, वहाँ पर जो है 100% काम करने वाले मर्द हैं, वहां पर वुमन इक्वालिटी की बात नहीं करती। तो इस बारे में जो है आपके क्या कमेंट्स रहेंगे, आपके क्या राय रहेंगे, वो भी आप कमेंट लिखकर जो है हमें बता सकते हैं। तो आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। उम्मीद करते हैं कि लोग सुधरेंगे और वुमेन्स को जो है उनकी मर्जी से काम करने की जो है हुकूमत या हुक्म देंगे। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।